क्या नाम है पेशेंट का? महेंद्र पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या थे, बागेश्वर कपूर रहने वाले हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड जी सर। तो जब आए थे तब इनको क्या क्या तकलीफ थी? सर इनको तकलीफ थी, चल फिर नहीं पाते थे, इन सांस लेने में दिक्कत थी इनको, और ना क्रिएटिनिन लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ था, 9 के समथिंग था। और जब से आपकी दवाई ली है तब से क्रिएटिनिन कम हो गया इनका, और ब्लड भी क्रिएटिनिन कितना था जब आए थे? जब 9 के प्लस था। 9 जी जी। और अभी आपने टेस्ट कराया? जी सर। और अभी आपने टेस्ट कराया दोबारा? जी सर। अभी कितने आए? अभी सर 4.8 के लगभग। 4.8 जी जी। तो ये टेस्ट आपने कहाँ से कराया? ये सर बागेश्वर सोमनाथ पैथोलॉजी लैब से कराया। आपके आसपास ही? जी जी। और फिजिकल लेवल पर इनको क्या क्या फर्क? इनको सर अभी खुद चल फिर लेते हैं, खुद क्या कहते हैं डाइट चार्ट अच्छा हो गया इनका, खुद अपनी जॉब खुद कर लेते हैं। तो जब तम में और अम में क्रिएटिनिन के अलावा इन सब चीज़ों के अलावा मतलब राहत कैसे कैसे है उनको? क्या है जैसे चलने में सांस फूलती थी, सांस नहीं फूलती है, उनको स्वेलिंग थी बॉडी में, स्वेलिंग नहीं है अब, और नॉर्मली चलते हैं। जी सर। कौन है आपके? ये पिताजी हैं। पिताजी? जी सर। पूरा एक बार बताओ, उत्तराखंड में कहाँ बताया आपने जगह? क्या कहते हैं कपकोट, तहसील कपकोट है, और जिला बागेश्वर। बागेश्वर जी सर। ठीक है। आज पेशेंट है महेंद्र पाल, उनके सुपुत्र हैं यहाँ पे। तो पेशेंट्स तो हमने अभी बहुत सारे दिखाए हैं, लोगों को बहुत तरह की शंकाएं होती हैं कि किस प्रकार से ये कम हो रहा है, किस प्रकार से रिड्यूस हुआ। तो आज मैं थोड़ा इलैबोरेटिव वे में बताऊंगा कि किस तरीके से पेशेंट को बेनिफिट होता है और किस तरीके से रिड्यूस होता है। ये इन्होंने कराया है 4/5/2018। क्रिएटिनिन इसके अंदर 9.4 है। डायलिसिस बोलते थे आपको? जी सर बोलते सर। सिरामूर्ति बरेली में। क्या बोला डॉक्टर? 9.4 क्रिएटिनिन लेवल है एंड यूरिया इज 193 और यूरिक एसिड इज 6.2। आज मैं सिर्फ एक पैरामीटर पे बात नहीं करूंगा बल्कि हर एक पैरामीटर में किस किस प्रकार से चेंजेस आते हैं, ना केवल क्रिएटिनिन में बल्कि हीमोग्लोबिन में, यूरिया में, यूरिक एसिड में, प्लेटलेट्स में, और ब्लड जितने भी टेस्ट हैं इनके, जितने भी रिगार्डिंग ब्लड टेस्ट हुए सब में कैसे कैसे चेंज आ रहा है, प्रोटीन्स में जो यूरिन से जा रहा है, उन सबको मैं आज एक एक करके आपको बताऊंगा कि होलिस्टिक अप्रोच क्या होती है, कि किस प्रकार से किडनी को पूरी तरीके से ठीक किया जाता है। और बहुत से लोगों की शंकाएं रह जाती हैं तो शंकाओं को भी आज दूर करूंगा मैं। 9.4 क्रिएटिनिन और 193 यूरिया, ये टेस्ट है 4/5/2018 का ये टेस्ट है जब इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया था। हाँ जी, लगभग कितना, 2 हो गया। ये इन्होंने दोबारा टेस्ट कराया है, और ये कब कराया आपने? दो दिन पहले 2/7/2018। इसके अंदर जो क्रिएटिनिन हो गया होगा 4.8, 4.8 क्रिएटिनिन हो गया, और यूरिया भी हो गया घटके इनका 152। यूरिक एसिड जो पहले था इनका 5.8 हो चुका है, पहले यूरिक एसिड था 6.2 यूरिक एसिड था, 5.8 हो चुका है। ये दोनों रिपोर्ट्स आप देख चुके हैं, देख सकते हैं, दोनों रिपोर्ट्स इनके आसपास की हैं, अपने आसपास से कराई ना रिपोर्ट। अब ये तो रही आपकी KFT की बात, इसके बाद हम एक और बात करेंगे, प्रोटीन जो इनका पहले जा रहा था, 1+ प्रोटीन जा रहा था, 4/5/2018 को टेस्ट हुआ था, 1+ इज समथिंग लाइक 100 mg/dL, 100 mg के आसपास इनका प्रोटीन जा रहा था। और फिर इन्होंने अब ये प्रोटीन टेस्ट इस वाले लैब से दोबारा कराया है, अब इसके अंदर ट्रेसेस है यानी कि 30 mg/dL के आसपास है। इसके अलावा बात करेंगे अब, पस सेल्स पहले जा रहे थे इनके यूरिन में 35-38 HPF की रेंज में, और आज जो पस सेल्स है वो है इनके 8-10 हो चुके हैं पस सेल्स यूरिन में। एपिथेलियल सेल्स 4-6 जा रहे थे, एपिथेलियल सेल्स जो है वो हो चुके हैं 1-2। अब कुछ लोगों को और शंका हो सकती है किसी प्रकार की, वो भी मैं आपकी आज दूर करूंगा कि किस तरीके से फायदा होता है। हीमोग्लोबिन 7.4 था इनका पहले, और आज ये हीमोग्लोबिन बढ़ के हो चुका है 8.5। और आप देखें तो इनका TLC जो था वो था 4700 TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो था वो 4700 था, और आप जो वो TLC हो चुका है वो हो चुका है 8900 पर क्यूबिक एमएम। और इसके अलावा RBC अगर हम देखें, रेड ब्लड सेल्स इनके जो थे 2.39 के रेंज में थे, और आज वो रेड ब्लड सेल्स बढ़ के हो चुके हैं 3.30
ये सारी रिपोर्ट में स्कैन करके वीडियो के एंड में लगाएंगे, वो आप देखिएगा। प्लेटलेट्स 2.13 हो चुके हैं, और प्लेटलेट जो इनके थे पहले 1.9 थे, 1.9। अब एक और शंका हो सकती है कि ये नेशनल पैथोलॉजिकल लैब से है या सोमनाथ पैथोलॉजिकल लैब से है, दो लैब से है। तो इन्होंने एक और लैब से टेस्ट कराया ताकि ये वेरीफाई हो जाए कि किस प्रकार से कम हुआ था, किस प्रकार से बढ़ा हुआ था। और ये जांच इन्होंने कराई है शिवम पैथोलॉजी सेंटर से कराई है, तीसरी लैब से कराई है। 4/5/2018 की रिपोर्ट है, और अब ये 2/5/18 की रिपोर्ट, यानी कि ट्रीटमेंट से पहले की रिपोर्ट। अब इसके अंदर और अभी की रिपोर्ट में भी फर्क देखेंगे। इसके अंदर इनका जो क्रिएटिनिन है, हीमोग्लोबिन है, वो 8 के आसपास है, और इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो 8.5 है। टीएलसी 5700, टीएलसी 8900 के आसपास है। क्रिएटिनिन पहले इनका बड़ा हुआ था, ये रिपोर्ट 2/5 की, और ये रिपोर्ट जो है वो 4/5 की है। पहले इनका क्रिएटिनिन 7.6 था दूसरी लैब में भी। सोडियम 128, पोटेशियम 5.4। अभी जो क्रिएटिनिन आया है वो आया 4.8, सोडियम 136, पोटेशियम 4.2, पहले था 5.4, अब आया 4.2। तो ये जग जाहिर है कि तीन अलग अलग लैब से इन्होंने जांच कराई है, और तीनों लैब्स की रिपोर्ट्स को अगर हम कंपेयर करें तो किस किस प्रकार से महेंद्र पाल जी को फायदा हुआ है, इसके बाद कोई शंका नहीं रह जाती कि किस किस प्रकार से किडनी के मरीज को फायदा हो सकता है, ना केवल क्रिएटिनिन में बल्कि बाकी सारे पैरामीटर्स में भी। और उन सब पैरामीटर्स में एक एक चीज काउंट होती है, एक चीज काउंट होती है। पहले जब आए थे मेडिसिन पे इतना आपको फादर को ट्रस्ट नहीं हो रहा, जेन्यू विश्वास नहीं था एकदम, लेकिन शुरुआत में दवाई में कड़वी लगी तो खाने में जो इसके साथ थे, आप खुद बोलते कि जब दवाई लेके आकर के 10 दिन पहले दवाई लेने भेज दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हीमोग्लोबिन, टीएलसी, ल्यूकोसाइट काउंट, प्लेटलेट्स काउंट, यूरिया, यूरिक एसिड, पोटेशियम, सोडियम, क्रिएटिनिन, एक एक पैरामीटर्स आज मैंने आपको इलैबोरेटिव वे में कवर करके बताया है कि ना केवल, क्योंकि जनरली हम पेशेंट से बात करते तो एक या दो पैरामीटर्स के रिगार्डिंग ही बात करते हैं, क्योंकि समय भी लिमिटेड होता है। तो आज मैंने इन पेशेंट के रिगार्डिंग आपको इलैबोरेट बताया कि ना केवल क्रिएटिनिन कम होता है, क्योंकि क्रिएटिनिन तभी कम हो सकता है जब बाकी सारी चीज़ें भी कवर अप हो, रूट कॉज में इंप्रूवमेंट आए, जब किडनी का फंक्शन बढ़े तभी सारी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। अदरवाइज एक एक चीज का ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, दैट इज डन इन एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेद में रूट कॉज पे ट्रीटमेंट होता है, और जब किडनी का फंक्शन बढ़ा तो एक एक सिंगल पैरामीटर में किस प्रकार से इंप्रूवमेंट आई वो आपके सामने रिपोर्ट्स के अंदर विजिबल है। और ये रिपोर्ट्स इनके आसपास से इन्होंने कराई है, और एक नहीं तीन अलग अलग लैब से कराई है, सोमनाथ पैथोलॉजिकल लैब, शिवम पैथोलॉजी सेंटर, नेशनल पैथोलॉजी लेबोरेटरी, तीन लैब्स की रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग लैब से इन्होंने कराई थी। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 0987171205, 0114264427। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।